हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टॉय एंजॉय। तो आज मैं आप लोग के साथ होम एंड किचन ऑर्गेनाइजेशन आइडिया शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे पहले बार आए हैं तो रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि आप लोग को लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो आज मैं बताने वाली हूँ कि कैसे छोटे छोटे चीज़ यूज करके आप लोग घर और जो किचन रहता है उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो सबसे पहले जो बच्चे होते हैं, बच्चों का कपड़ा या बड़े लोगों का जो लेगिंग्स वगैरह ड्रेस हो गया, जो भी सूट हो गया, अगर आप लोग के पास ज़्यादा स्पेस नहीं है तो आप लोग इस तरीके का बास्केट यूज कर सकते हैं। और इसमें आप लोग का जो कपड़े हैं रख सकते हैं, या तो जो किचन में भी इसको यूज कर सकते हैं। किचन का जो स्टील का यूटेंसिल्स रहता है या ग्लोसरी सामान रहता है, जो भी इसको इस तरीके से रख सकते हैं। और इसके ऊपर ढक्कन है, तो जो उसका लीड है तो इसके ऊपर आप एक के ऊपर एक रख सकते हैं। तो मेरे पास ऐसे दो है, तो कम स्पेस में आप लोग ज़्यादा चीज़ रख सकते हैं इसकी हेल्प से। तो जब भी ख़रीदें इस तरीके का बास्केट ज़रूर ख़रीदें, उसके ऊपर जो कवर रहने वाला, ताकि एक के ऊपर एक ऐसे रख सकते हैं। और इसके साइड में जो ऐसे हैंडल है और इसके अंदर होल है, तो आप लोग कुछ भी इसके अंदर रख सकते हैं, वेजिटेबल भी रख सकते हैं, आलू हो गया, प्याज हो गया, ऐसे करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद जो बच्चों का, अक्सर बच्चों के पास बहुत सारा कंपास बॉक्स पड़े रहता है, तो उसको आप लोग कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग का जो कार्ड रहता है, एटीएम कार्ड रहता है, हमेशा इधर उधर होके गिरते रहता है, और जब चाहते हैं ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है। तो आप लोग का जो इम्पोर्टेंट कार्ड सब हो गया, एटीएम हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आप लोग इस तरीके से एक कंपास में रख सकते हैं। और इसके पीछे के साइड में भी कुछ स्पेस है, तो मैं इसमें पेन ड्राइव हो गया, बच्चों का पेंसिल हो गया, जो भी आप लोग का जो ज़रूरत का चीज़ है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और अरेंज करके रख सकते हैं। उसके बाद जो ये ओल्ड सूट बॉक्स है, तो इसमें मैं गिफ्ट रैपिंग पेपर लगा दी हूँ, तो ये बहुत अच्छा दिख रहा है। तो इसमें मैं कलर रखती हूँ जॉय का, कंपास बॉक्स जो है उसको रखती हूँ, छोटा छोटा जो बुक्स रहता है उसको रखती हूँ। आप लोग चाहें तो इसमें डेली यूज का जो क्रीम हो गया, बॉडी लोशन हो गया, उसको भी रख सकते हैं। उसके बाद ये एक स्वीट बॉक्स है, अक्सर हल्दीराम का जो स्वीट बॉक्स होता है या कोई और भी स्वीट बॉक्स होता है, तो उसके अंदर इस तरीके का एक तो प्लास्टिक का कंटेनर रहता है, तो उसको अक्सर हम लोग फेंक देते हैं। तो इसको भी आप लोग किचन में यूटिलाइज कर सकते हैं, तो इसमें स्पून रख सकते हैं। और उसके बाद इसमें जो छोटा छोटा ग्लास होता है, मेरे पास एक कांच का ग्लास का जो छोटा छोटा ग्लास है, तो इसको मैं इस तरीके से रख रही हूँ। तो आप लोग कोई भी चीज़ हो इसमें अपने हिसाब से उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद जो है ये कैडबरी का एक सेलिब्रेशन रिच ड्राई फ्रूट का है बॉक्स है, तो इसको भी मैं किचन में कप रखने के लिए यूज करती हूँ। और उसके नीचे मैं एक पेपर का जो न्यूज़पेपर लगा दी हूँ, तो इस तरीके से अगर आप लोग रखेंगे तो जहाँ पे रखेंगे उसके नीचे क्लीन करने में बहुत इजी हो जाएगा। उसके बाद इस तरीके का एक बास्केट है छोटा साइज का, इसमें मैं अपना डेली यूज का जो मेकअप और कॉस्मेटिक सामान रहता है उसको रखती हूँ। और इस तरीके का बास्केट मेरे पास दो ठो है, तो दूसरे बास्केट में मैं बच्चों का जो है डायपर वगैरह रखती हूँ, बेबी केयर प्रोडक्ट जो है उसको
इसमें रखती हूँ ताकि जब भी ज़रूरत पड़े तुरंत निकाल सकूँ। तो इसमें मैं पेम्पर हो गया, जॉनसन बेबी वाइप्स हो गया, क्रीम हो गया, पाउडर हो गया और ये नेपकिन। तो ये बेबी केयर किट ऐसे करके आप लोग बना के रख सकते हैं तो तुरंत उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद किचन में इस तरीके का प्लास्टिक कंटेनर में जो ऑयल का कंटेनर रहता है उसको ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं ताकि जब भी ऑयल नीचे गिरे तो कंटेनर में ही गिरे और उसको इजीली क्लीन भी कर सकते हैं। उसके बाद जो कार्डबोर्ड बॉक्स रहता है बड़ा वाला, अक्सर ये लोग हम ये कार्डबोर्ड बॉक्स घर में पड़ा रहता है तो उसको आप लोग अपना जो ग्लोसरी सामान रहता है उसको एक्स्ट्रा जो ग्लोसरी सामान रहता है उसको इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। उसके बाद ये बच्चों का चॉकलेट का एक बॉक्स रहता है, इसमें आप लोग जो रिंग वगैरह हो गया गोल्ड का उसमें रख सकते हैं। ये डेयरी मिल्क का बॉक्स है, चॉकलेट बॉक्स। और इसके बाद इसमें और भी चीज़ जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह रख सकते हैं। तो मैं यहाँ मैं इसको अपना जो पेन ड्राइव है सारे उसको रखने के लिए यूज कर करती हूँ ताकि जब अक्सर पेन ड्राइव ढूंढते हैं तो मिलता नहीं है तो सारा पेन ड्राइव एक ही जगह पर रह जाता है। उसके बाद ये राउंड शेप का एक वाइट कलर का एक प्लास्टिक का कंटेनर है जिसमें मैं अपना किचन में सीजर हो गया, नाइफ हो गया, ये सब अरेंज करके रखती हूँ। तो किचन टूल्स जो होता है इसको इसमें इस तरीके से रख सकते हैं। उसके बाद जो आइसक्रीम का बॉक्सेस होता है उसको अक्सर हम लोग फेंक देते हैं तो उसको नहीं फेंक के उसमें आप लोग जो डेली यूज का जो मेडिसिन बॉक्स मेडिसिन रहता है उसको रख सकते हैं। और इसका ढक्कन है तो इसको रखने के लिए सेफ है क्योंकि अगर आप लोग के घर में बच्चे हैं तो ढक्कन लगा के कहीं भी रख देंगे तो बच्चे से सेफ रहेगा। उसके बाद इस तरीके का जो ऑरेंज कलर का बास्केट है इसमें मैं फ्रूट रखने के लिए यूज करती हूँ और ये मैं लोकल मार्केट से ख़रीदी थी और बिग बाज़ार में भी सेम इसी तरीके का मिल जाता है। और ये बहुत ही हार्ड है, इसका प्लास्टिक जो है बहुत ही हार्ड है तो इसमें आप लोग फ्रूट वगैरह रख सकते हैं और इसमें जाली जाली भी है तो इसमें फ्रूट ख़राब नहीं होगा। और इस तरीके का बड़ा बास्केट जो है इसको आप लोग जो आलू हो गया, प्याज हो गया उसको रखने के लिए यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ा है तो आसानी से इसमें 3-4 किलो आलू जो है पोटैटो है इसमें रख सकते हैं और इसमें जो होल है तो आलू वगैरह जो है वो ख़राब भी नहीं होंगे। उसके बाद जो घर का सुई धागा हो गया उसको भी एक प्लास्टिक कंटेनर में मैं इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रखती हूँ ताकि इधर उधर नहीं हो। यहाँ पे मैं राउंड शेप का कंटेनर यूज की हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्वायर शेप का हल्दीराम का जो सोन पापड़ी का रहता है डिब्बा उसको यूज कर सकते हैं। और ये एक इसमें आप लोग स्पून रख सकते हैं, किचन में किचन टूल्स रख सकते हैं, मैं इसको ब्रश रख सकते हैं, मैं इसको बच्चों का कलर पेंसिल पेन हो गया सब रख सकते हैं। तो मैं इसको बच्चों का जो है पेन पेंसिल जो है उसको रखने के लिए यूज करती हूँ। गम हो गया, पेन पेंसिल हो गया, नाइफ हो गया, सीजर हो गया, स्टेपलर हो गया, ये सब चीज़ रखने के लिए यूज करती हूँ। तो इसमें पार्टीशन है बीच में, इसमें 2 पार्टीशन है और इस तरीके का जो बच्चों का जो लेटर सब रहता है और नंबर सब रहता है ये सब इधर उधर होता रहता है तो उसको आप लोग इस तरीके का एक राउंड शेप का जो
चॉकलेट का बॉक्स आता है उसमें रख सकते हैं। और जब भी बच्चा बच्चे जो होते हैं खेलने के लिए मांगेंगे तो आप लोग तुरंत निकाल के दे सकते हैं, और खेलने के बाद उसको फिर रख देंगे तो इधर उधर नहीं होता, सारा लेटर जो है एक ही जगह रहता है। और इसमें हैंडल भी है तो बच्चों को मज़ा भी आता है इसको पकड़ के खेलने के लिए। और जो किसान जाम का छोटा वाला बॉक्स आता है उसको भी अक्सर हम लोग फेंक देते हैं, तो उसको नहीं फेंकते आप लोग। हुक वगैरह हो गया और जो बटन हो गया वो सब भी अरेंज करके ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। आप लोग चाहे तो इस तरीके का कॉफ़ी का जो ग्लास कंटेनर रहता है उसमें भी हुक हो गया, बटन हो गया और भी कोई छोटी छोटी चीज़ हो गया उसको अरेंज करके रख सकते हैं। और ये जो मेडिसिन बॉक्स मेडिसिन रखती हूँ मैं इस बास्केट में, जॉय का जितना भी मेडिसिन है एक जगह पे मैं रखती हूँ। तो इस तरीके का बास्केट को यूज करके आप लोग मेडिसिन का किट भी बना सकते हैं। और तो ये था आज के वीडियो में। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट।